नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। कैसे हैं सभी? अभी आज यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की जो एक सबसे हाई डिमांडिंग स्ट्रेटजी आप लोगों की होती है उसको लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। और देखा जाए तो अब आपके पास यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए गिनके 24-25 दिन बचे हैं, और यही 24-25 दिन सबसे ज़्यादा निर्णायक दिन आपके लिए साबित होने वाले हैं। ये बात एकदम पता होनी चाहिए आप सभी को कि वर्ष 2022-2023 में अध्ययन के द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, जिनमें बहुत सारी वैकेंसीज वर्ष 2022 के पीईटी से सीधा होंगी, जो दिसंबर के बाद से वैकेंसी आना शुरू हो जाएगी। तो उन वैकेंसीज का दरवाजा खोलने के लिए हमें इस पीईटी 2022 में अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि आपने देखा है पीईटी 2021 में बहुत सारे बच्चे बहुत सारे पद के लिए वंचित रह गए हैं। एक जो कामगार केवल रहा है तो केवल एएनएम और मुख्य सेविका की भर्ती रही है, बाकी सभी में बच्चे कहीं ना कहीं परेशान हुए हैं। तो अब यह कहीं दिक्कत ना हो, और कितना हम परसेंटाइल लेके आए, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, 85 प्लस टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं। स्कोर की बात कर रहा हूं, परसेंटाइल अगर 85 प्लस आ गया तो 99% में आ जाओगे। और कब जब अधीनस्थ में पीईटी लागू हो गया है तो ये उतना ही नुकसानदायक है, और अब हर बच्चे के लिए 80-85 स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन बात आती है कि हम इतना स्कोर करें कैसे। बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूं कि जो तैयारी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जो पढ़ाई होती है उसे छोड़े हुए करीबन 4-5 साल हो गए हैं। अब ऐसी भर्तियां जैसे एएनएम की आई, मुख्य सेविका की आई, तो उनके लिए पीईटी देना है, और कहीं ऐसा पद जिसमें वो एलिजिबल तो हो लेकिन पता लगे परसेंटाइल ना हो, तो उन कारण से अब सबके लिए पीईटी बहुत ज्यादा जरूरी, और बहुत स्कोर भी लाना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बाकी ऐसे पद जहां पे 200-300-500 ही पद आते हैं, उनमें हर एक बच्चा सभी को लिए कम से कम 98-99% जरूरी है। तो एक बहुत अच्छी रणनीति हमारे पास होनी चाहिए। हमने जो पढ़ लिया है वो हमारे पास है, अब उस जो पढ़ लिए हैं उसकी बदौलत, या अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि बच्चा भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसे ओवर थोड़ी थोड़ा बहुत नॉलेज है। देखो बच्चों का किसी को एकदम नहीं पता है तब तो ये स्ट्रेटेजी भी कामयाबी नहीं होगी, फिर आपको ये वीडियो भी देखने का कोई मतलब नहीं है, सीधी बात। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आपने इससे पहले कुछ पढ़ के आए हैं तो जरूर इस वीडियो में बहुत ज्यादा फायदेमंद मिलेगा। लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं कि ऐसी स्पेशल भर्तियां जैसे एएनएम, उनके लिए भी अगर अब आती है तो परसेंटाइल 40-50% जाएगा, तो उनके भी ये अंतिम 25 समय में कैसे हम 40-50-55 स्कोर कर ले जाएं, वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये देखते हैं कि अब इस वीडियो में हमें क्या-क्या देखना है। सबसे बड़ी बात तो हम लोग देखेंगे इसका टारगेट क्या होगा, 85 प्लस स्कोर करने का एक जो रामबाण जो तरीका होगा, रामबाण जो रणनीति होगी, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी बात, अभी पिछली बार हम लोग जो पीडीएफ दिए थे जिससे आप किसी बच्चे से फीडबैक अगर लेंगे, या जो बच्चा दिया होगा पीडीएफ को पढ़ा होगा, करीबन 350 की पीडीएफ थी, 335-340 पेज की, वो पीडीएफ मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पीडीएफ से थे। और इस बार फिर हम लोगों ने एक ऐसी ही पीडीएफ बनाई है जो अंतिम 20-25 दिन में पढ़ने के बाद मैक्सिमम स्कोर गेन हो सके, तो वो पीडीएफ कहां से मिलेगी, वो कैसे तैयार करना है, बाकी आपका टाइम टेबल लास्ट टाइम में क्या होना चाहिए, रिवीजन नोट्स क्या होना चाहिए, टेस्ट सीरीज कैसे होना चाहिए, और पूरा साम दाम दंडवत लगा देना है हमारे स्कोर को बहुत अच्छा करने के लिए। तो सभी लोग, ये जो टाइम टेबल है जो आपके लिए हम लोग फ्री क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, और उसका टाइम टेबल है मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट होगी क्लासेस 28 सितंबर से 7 PM पे ये मैराथन क्लास स्टार्ट होगी, और ये क्लास आपकी टिल 14 अक्टूबर तक जाएगी। 28 सितंबर से 14 अक्टूबर तक 7 PM पर डेली मैराथन क्लास चलेगी। शुरुआत में सारे सब्जेक्ट के रिवीजन क्लास चलेंगे, और उसके बाद आपके प्रैक्टिस टेस्ट चलेंगे, लेकिन ये तभी कामगार होगी जब हमारी स्ट्रेटजी भी इसी अकॉर्डिंग होगी। तो पूरी स्ट्रेटजी हमारी जो है वो कुछ इस बदौलत है, और हम इस पूरे को दो सेक्शन में बांटते हैं। देखो कहीं ना कहीं एक बात सभी को तय है कि हमें स्कोर मैक्सिमाइज करना है पीईटी में। अगर हमें अधीनस्थ की नौकरी अब लेनी है तो पीईटी का स्कोर मैक्सिमाइज करना है, इसमें किसी से बात छुपी नहीं हुई है। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही, कोई स्पेशल डिग्री आपके पास है और वहां पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तभी कम परसेंटाइल काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो अगर देखा जाए तो तैयारी करने वाले बच्चे दो समूहों में से हमेशा दो समूह में डिवाइडेड होते हैं। एक ऐसे समूह होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो जीएस बैकग्राउंड के होते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सबको पता है कि कौन सा पार्ट, ये मैंने सारे लिख दिए हैं जो आपके सिलेबस में है, सब्जेक्ट मैंने लिख दिए, और सभी का नंबर भी आपको पता है कि कौन सा कितना नंबर का है, उस अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होगा। तो समझिएगा कि अगर हमें 85 प्लस स्कोर लेके चलना है, 85 स्कोर लेके चलना है, उस 85 स्कोर करने से पहले हमें यह भी तो समझना पड़ेगा कि पहले हम 10 का स्कोर करें, 15 करें, 20 करें, 50, 55, 60 तक ले गए हैं, 85 तो टॉपर का स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, उससे बीच का भी स्कोर हम करें। तो एक बार देखते हैं
दोनों को मैं कंट्रास्ट तरीके से समझाता हुआ चलता हूं कि कहां पे आपको क्या स्कोर करना है, कहां पे कितना नंबर लाना है। स्ट्रेटेजी पार्ट में ये वन ये होगा, और आगे आप वीडियो देखते जाओगे तो मैं उसमें आपको ये बताऊंगा कि अब जो नंबर आपको लाना है वो क्या पढ़ के लाना है, कौन सा प्रैक्टिस सेट देना है, कौन सा टेस्ट सीरीज लगाना है, और कितने घंटे की पढ़ाई करके हम इस मुकाम को पा सकते हैं। तो देखो, मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे वो बच्चे हैं जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, जो बीएससी वगैरह से बीएससी किए हैं या कोई टेक्निकल डिग्री किए हैं, बीटेक वगैरह किए हैं, इन ऐसे बच्चे जो ट्वेल्थ में और ग्रेजुएशन में भी मैथ्स से वाकिफ है, उनकी मैथ्स नो डाउट स्ट्रांग होती है। एक ऐसा बच्चा होता है जो ट्वेल्थ में ही मैथ छोड़ देता है, दसवीं तक तो मैथ पढ़ता है, उसके बाद वो आर्ट सब्जेक्ट ले लेता है, और आर्ट सब्जेक्ट में उसका जीएस पार्ट ज्यादा मजबूत होता है, तो दूसरा बच्चा ही है। अभी मैं किसी जीएस वाले बच्चे को बोलूं या किसी ऐसे बच्चे को बोलूं जो चार पांच साल पढ़ाई छोड़े हुए हो गए हैं और इस बार अब पीईटी दे रही हैं या दे रहे हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए मैथ्स कम समय में पढ़ पाना मुश्किल रहा है। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और ऐसे बच्चे जो मैथ बैकग्राउंड के हैं उनके लिए जीएस हमेशा ऐसे एक मुश्किल सी बात रहती है। ऐसा टफ तो नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, बट एक मुश्किल होती है। और अंतिम 25 दिनों में हम ये मान के चलेंगे कि आप फिर से जीरो हो गए हो, और फिर से हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को देखो, यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो डीआई है, ये डीआई आपका 20 क्वेश्चन डीआई पूछा जा रहा है, 5 क्वेश्चन मैथ्स पूछा जा रहा है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग पूछा जा रहा है। मतलब अगर केवल मैथ बैकग्राउंड की बात करूं तो 30 क्वेश्चन केवल और केवल क्या हो रहा है, मैथ का पूछा जा रहा है। और यदि आप मैथ आपको समझ में आती है, मैथ आपकी थोड़ी सी भी स्ट्रांग है, तो आप इस 30 नंबर में 30 का 30 स्कोर कर सकते हो। और ये आपको स्कोर करना पड़ेगा बच्चों, अगर ये स्कोर नहीं करोगे तो आगे के जो मैं सब्जेक्ट लिखाऊं यहां पे आपको उतने अच्छे से नंबर नहीं मिल पाएंगे। पहली बात, ये सेक्शन आपका वो सेक्शन है जिसमें आप हमेशा से कॉन्फिडेंट रहे हो। दूसरी बात, क्योंकि पीईटी का जो स्तर होगा वो लो लेवल होता है, क्या होता है वो बेहद लो लेवल का होता है, और जब लो लेवल का होता है तो आप वहां पे अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। आप आगे सिलेबस भी देखोगे तो जैसे मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में केवल आपका होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज केवल इतने चैप्टर से बना हुआ है, और इन चैप्टर को पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान था, आप पढ़े भी हो। और मैं उन सारे बच्चों को बोल रहा हूं जो हमसे कोर्स में जुड़े थे, और मैंने इन सारी चीजों को बहुत विधिवत एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन ऐसा कराया है जो आपकी परीक्षा में प्रत्यक्ष रूप से पूछे जाने, इस बात की भी गारंटी है। आप उतना ही रिवाइज अगर अच्छे से कर लिए हो, पढ़ लिए हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो मैथ्स हो गया, इसमें 5 में 5 ला सकते हो। डीआई में, अब डीआई में अगर देखो तो डीआई में क्या है, ये जीएस वाले बच्चे भी समझते हुए चलेंगे, डीआई में 2 टेबल पूछेगा, 5-5 क्वेश्चन के 2 टेबल के क्वेश्चन पूछेगा। टेबल का क्वेश्चन ऐसा वाला होता है, आंकड़े दिए होते हैं यहां पे और उसमें से आपके क्वेश्चन पूछता है, तो 2 टेबल का क्वेश्चन होगा और 2 क्वेश्चन चार्ट पे होगा। चार्ट या तो पाई चार्ट से पूछ लेगा, या लाइन चार्ट से पूछ लेगा, या फिर आपसे किससे पूछ लेगा, बार चार्ट से पूछ लेगा, दंड आलेख से पूछ लेगा, या लाइन आलेख से पूछ लेगा, या फिर आपका पाई आलेख से क्वेश्चन पूछ लेगा। और जो ज्यादा चांसेस है पीईटी 2022 में, जो अति संभावना है, मैं बता दूं कि इस बार 1 क्वेश्चन पाई चार्ट से और 1 क्वेश्चन बार चार्ट से आने की अति संभावना है। लेकिन एक बात आप और ध्यान में रखना कि इस बार पेपर 2 दिन मतलब 4 शिफ्ट में है, तो हो सकता है किसी शिफ्ट में पाई लाइन पूछ ले, हो सकता है किसी में लाइन बार पूछ ले, किसी में बार पाई पूछ ले, ऐसे करके कॉम्बिनेशन में भी पूछ सकता है। तो वो आपके तीनों किसी शिफ्ट में कुछ भी पढ़ सकता है, इसलिए तीनों ही चार्ट आपके लिए ज्यादा जरूरी हो गया है और 2 टेबल आपके लिए ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन मैथ्स वाले बच्चों के लिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं, मैथ्स वाले बच्चे को टेबल में भी आपको मैं सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है, और जो रिवीजन क्लासेस आपके 28 सितंबर से चालू हो रही है उसमें भी एक क्लास पूरी मैराथन डीआई के आशीष सर लेके आएंगे। उस क्लास को डीआई आप अच्छे से कर लोगे तो सबका जितना भी आपकी दुविधा है जो भी है सब कुछ आपका वहीं पे दूर हो जाएगा, और वो सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, आपको ये तैयार करते हुए चलना है। तो जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो 30 नंबर यहां पे एक नंबर भी ना छोड़े। उसके बाद अगर हम यहां पे देखें करंट अफेयर्स वाला पार्ट देखें तो ये करंट अफेयर्स क्योंकि 10 नंबर का है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का है, और हिंदी पैसेज 10 है, और हिंदी ग्रामर जो है 5 है। मतलब 30-35 क्वेश्चन यहां पे ऐसे हैं जो चाहे मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो चाहे जीएस बैकग्राउंड वाले हो, आप यहां पे भी देख रहे होगे ये सिमिलरली ये जो 35 क्वेश्चन है, मैं इधर दोनों को बराबर लेके चल रहा हूं, इन दोनों को ही 35 क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करने का प्रयास करना है। अब मैक्सिमाइज नंबर लेके कैसे आओगे, देखो आपको करंट में तो करंट में पिछला जो 6 महीना है, अगर आपका 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर में पेपर पड़ रहा है तो इसका मतलब ऑफलाइन पेपर है। अक्टूबर 1 अक्टूबर तक किसी हालत में पेपर छप गया होगा, सारी प्रिंटिंग हो गई होगी, अक्टूबर का खबर नहीं पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा पूछा जाएगा तो सितंबर पूछा जाएगा, सितंबर से पहले अगस्त हो गया है ना, अगस्त के पहले जुलाई हो गया, जून हो गया, मई हो गया, अप्रैल हो गया, मार्च मैक्सिमम अगर
अगर बहुत इनिशियल करेगा तो मार्च से लेके ज्यादा जरूरी अप्रैल से लेके कहां तक है सितंबर तक। तो करंट आपको कहां तक पढ़ना है, अप्रैल से सितंबर तक पढ़ना है, ये ध्यान देना। अप्रैल से सितंबर तक एक 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 खबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अप्रैल से सितंबर तक एक एक खबर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पार्ट था जो पिछले वर्ष 2021 में इसी के बदौलत बच्चे 99% लेके आए थे, और जो चूके थे 6-7 नंबर केवल गिरा था 10 में, वो क्या हो गए थे, हम 85% 75% पे आके अटक गए थे। तो क्योंकि यहां पे आसान है नंबर, आपको 6 महीने की करंट पढ़ ली, और ऐसा नहीं है कि आपने करंट पढ़ा नहीं है, आप हर महीने का करंट पढ़ते आए हो। अब आप करो क्या, एक अर्धवार्षिकांक खरीद लो, और उस अर्धवार्षिकांक खरीदने से उस वो अच्छे से पढ़ ले जाओ। दूसरा अंक आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वार्षिकांक ले आओ, जो वार्षिकांक अभी तक अंक आ गया होगा उससे आप 6 महीने अप्रैल से लेकर सितंबर तक एक एक चीज पढ़ जाओ। आप करंट और करंट की अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। अभी आप भी सोचो कि करंट एक बार पढ़ लिया जाए तो आपका हो जाएगा, बच्चों ऐसा नहीं होता है। करंट एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। कारण क्या होता है कि आपको परीक्षा में जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो लगता है ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी विकल्प सही, ये भी विकल्प सही, कंफ्यूजन में आप गलत कराते हो। 1/4 का नेगेटिव नेगेटिव मार्क हो जाएगा, आप नीचे आ जाओगे। इस कारण से करंट का मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। और जो जनरल अवेयरनेस है, इसको कहीं आपको अलग नहीं पढ़ना है। जो मैंने आपको 350 पेज के पीडीएफ में आपको एक बार दिखा देता हूं, वो 350 पेज की पीडीएफ है क्या, ये देख लीजिए, ये वो पीडीएफ है जो 350 पेज की एकदम क्रैश कोर्स के हिसाब से। इसमें ऊपर मैथ्स के भी सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, फिर रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और उसके बाद ऐसे जीएस रामबार जनरल अवेयरनेस सारे के सारे यहां पे आप देखोगे तो यहां पे राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल, सारे जो जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट है, ये सब कुछ आपका पॉलिटी का पार्ट हो गया, इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, बाकी जो आपका जीएस हो गया, सारे के सारे यहां पे बहुत विधिवत तरीके से साइंस का पार्ट हो गया। एक एक चीज यहां पे वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है कि अब आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वन लाइन में ओवर थ्रूली पढ़ते चले जाओगे। तो इस 350 पेज के आपके पास 25 दिन है, उस 25 दिन को अगर आप 350 पेज, 330 उस पेज है लगभग, लेकिन मैं फिर भी उसे 350 बोल रहा हूं, अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो करीबन 15-15 दिन के आपकी जरूरत है ना, 15 दिन मैक्सिमम, और आपके पास 25 दिन है तो 15 पेज पर दिन आएगा। अगर 25 दिन के हिसाब से आओगे, मतलब एक दिन में आपको 15 पेज पढ़ना है, उस 15 पेज को आप 20 पेज पढ़ो, एक दिन में 20 पेज अच्छे से पढ़ते चलो, और जैसे जैसे आपकी रिवीजन वाली क्लास होती जा रही है, आपका जो मैराथन क्लास हो रही है, उसी हिसाब से आप पीडीएफ भी पढ़ते जाओगे, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है उससे। और अगर एक दिन में केवल ज्यादा नहीं लोड लो, 20 से 25 पेज पढ़ लोगे तो आपका 15 दिन में है ना, 25 पेज दिन में पढ़ोगे तो 15 दिन में आपका खत्म हो जाएगा, और 15 दिन बाद फिर आप अगला जब इसी पीडीएफ पर रिवाइज कर लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो सकता है 5-7 दिन में खत्म हो जाए। तो आपके पास 25 दिन है, उस 25 दिन में आपको ये पीडीएफ दो बार पढ़ लेनी है, और अगर दो बार केवल ये पीडीएफ पढ़ लिए तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपका 80 तक स्कोर कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में। मैं ये तो अतिशयोक्ति नहीं बोलूंगा कि नहीं 100 के 100 क्वेश्चन आयोग इसी पीडीएफ से देखे पेपर बनाएगा, नहीं बच्चों ऐसा कभी नहीं होता है, कोई भी ये दावा ठोकता है कि मेरे से सब आ गया, नहीं। लेकिन हां, ये पीडीएफ ऐसे बनाया गया है कि जहां से एग्जामिनर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे पॉइंट यहां पे रख दिए गए हैं, जो किताबों की निचोड़ हो सकते हैं, फैक्ट हो सकता है, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, वो सारे ही इसमें निचोड़ हैं। तो ऐसी कोई इसमें अलग से चीजें नहीं लिखी हुई हैं, ये वही चीजें लिखी हुई हैं जो आप पढ़ के आए हो, बस एक बहुत सटीक एक फिल्टर्ड वे में। मतलब आप सोचो हिस्ट्री की मोटी सी किताब पढ़े होगे, आप पॉलिटी अलग नोट्स पढ़े होगे, आप ज्योग्राफी अलग पढ़े होगे, मैथ्स की किताब अलग पढ़े होगे, सब सारी किताब अलग पढ़े होगे, ये 300 पेज में पूरा 100 क्वेश्चन का सिलेबस कवर है, तो वो आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। यह जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट केवल आपका इसी से कवर हो जाएगा, बाकी जो मैराथन वाली क्लास होगी उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको कवर कर लोगे, तो इस 10 क्वेश्चन में से इतना मैं गारंटी बोल रहा हूं कि चलो 10 में 10 मैं अतिशयोक्ति नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा बोस्टिंग हो जाए, बट जनरल अवेयरनेस में 8 नंबर से कम भी नहीं पाओगे अगर आप उस क्लास को कर लेते हो और इस पीडीएफ को रख लेते हो, इतना गारंटी, इस बात की तो मैं गारंटी ले रहा हूं। उसके बाद आपका है हिंदी पैसेज। हिंदी पैसेज में बच्चों कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये जीएस बैकग्राउंड वाले भी समझो और मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी समझो कि आपका हिंदी पैसेज में कोई आपको अलग से, क्योंकि हिंदी आपकी खुद की भाषा है, आप बोलते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, और पैसा से कंप्रेहेंड करना, ये 10 नंबर फ्री के नंबर आपको दिए गए हैं। तो ये हिंदी पैसे जो 10 फ्री नंबर है, ये आपको इसमें एक अंक नहीं गंवाना है। और हिंदी जो ग्रामर है, मैं ये जानता हूं कि ग्रामर सभी लोग पढ़े नहीं होते हो, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप सिलेबस देखोगे, इसमें लिंग है, संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, अनेकार्थी है, समसर्ग भिन्नात्मक शब्द है, तो यही सब मिलके आपके केवल और केवल क्या होगा, हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, बाकी कुछ पूछा ही नहीं है, तो उतना ही केवल पढ़ लोगे। और उसमें भी क्या पढ़ना है, उसमें आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है। जैसे अगर मैं अभी सिलेबस का डिस्कशन करूं हिंदी का,
है ना। यहां पे अगर हिंदी की बात कर लूं, एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये है हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी सिलेबस में आपको बहुत ज्यादा लास्ट टाइम में अगर संधि नहीं पढ़े हो तो पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। विलोम शब्द देख लो, पर्यायवाची शब्द देख लो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द देख लो, लिंग देख लो, उसके बाद समसर्ग भिन्नात्मक शब्द देख लो, मुहावरे लोकत्या देख लो, अशुद्धियां भी एक लेखपाल भी पूछा था इसमें पूछा जा सकता है। लेखक और रचनाएं पूछने की जरूरत नहीं, टॉपिक आपके पास 9 है, केवल 5 प्रश्न पूछा जाएगा। अब किस शिफ्ट में क्या पूछा जा रहा है वो डिपेंड करता है, पढ़ना आपको सब है। लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो एकदम नहीं पढ़े हो, हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी माध्यम के बच्चों, तो ये दोनों टॉपिक स्किप भी कर दोगे तो भी आपका हिंदी में 5 में से 3 या 4 नंबर आप स्कोर कर लोगे। और अगर आप हिंदी से थोड़े भी वाकिफ हो तो कोई भी आप टॉपिक छोड़ो ना। और यहां पर जो 5 है, 5 में से फुल लाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर यहां पर ये जो 35 नंबर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर 35 नंबर अगर आप मिस किए तो मैं 35 बोलो, मैं जान रहा हूं अभी भी 35 आएंगे नहीं भाई, कोई ना कोई क्वेश्चन तो गलत होगा। 35 में आप 30 प्लस ही स्कोर कर पाओगे। एक जो रियल डेटा मैं लेके चलूं आप लोगों के लिए, तो कितना स्कोर होगा उस चीज को मैं यहां पे लिखते चल रहा हूं। इस वाले पार्ट से जब मैं 35 आपको बोल रहा हूं तो 35 का टारगेट रखोगे तो 30 स्कोर हो पाएगा। ऐसे जब मैथ्स वाले में आप 30 का टारगेट रखोगे तो चलो 30 में कोई बच्चा 28 कर लेगा, फिर भी मैं बोलूंगा कि मैथ्स रीजनिंग और डीआई से तो 28 भी आ रहा है तो कम आ रहा है आपका। इसमें आप 30 में 30 करने का प्रयास करो, क्योंकि आप आगे एकदम नहीं उठा पाओगे नंबर, जबकि इधर वाले पार्ट वाले उठा लेंगे। अब अगर हम जीएस वाले बैकग्राउंड की बात करें तो जीएस बैकग्राउंड का जो सबसे आसान सब्जेक्ट होता है वो होता है पॉलिटी। उनकी पॉलिटी अच्छी होती है और पॉलिटी में सिलेबस भी छोटा है, पॉलिटी में सिलेबस भी छोटा है। आप केवल उतना पढ़ लो अच्छे से, सिलेबस एक बार आप देखोगे, दोबारा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूं, है ना। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, तो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति, आप केवल आर्टिकल 1 से 100 तक कवर कर लोगे ना तो भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। जैसे मुख्य विशेषताएं हो गया, राज्य की नीति डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, संसदीय प्रणाली हो गया, संघीय प्रणाली हो गया, न्यायिक ढांचा हो गया, जिला प्रशासन हो गया, स्थानीय निकाय हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। और इतना अगर आपका तैयार हो जाएगा तो पॉलिटी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और हर बच्चा जिसका जीएस का बैकग्राउंड होता है, मैं जानता हूं कुछ बच्चे पीसीएस की तैयारी करते हो, कुछ बच्चे अन्य राज्य स्तरीय की तैयारी करते हो, पॉलिटी का मजबूत होता है। तो इस 5 में से 5 आपको स्कोर करना है एनी हाउ। मॉडर्न हिस्ट्री में, हिस्ट्री पूरा नहीं बोल रहा हूं, मॉडर्न हिस्ट्री बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें केवल क्या बोला है, 1857 के क्रांति के बाद का है, और 1857 से 1947 100 वर्ष की जानकारी, जिसमें भी आपका गांधी और सुभाष चंद्र बोस और जो अन्य नेता हैं इनसे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं और इसी से फिर से बनेंगे। तो गांधीयन एरा आप पढ़ लो 1915 के बाद से, जब गांधी जी का प्रवेश द्वारा भारत में होता है, तब से आप 1942 तक सारे उनके जो मूवमेंट है उनके बारे में अच्छे से पढ़ लो। इंडियन जो नेशनल मूवमेंट है, जो कांग्रेस है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अच्छे से पढ़ लो। इन सबको जो मुख्य मुख्य नेताएं हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, इनके बारे में पढ़ लोगे तो आपका मॉडर्न इंडिया से एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, और ये 5 में 5 नंबर उठाए जा सकते हैं। ये आपका एंशियंट हिस्ट्री नहीं है कि पता नहीं क्या पूछ ले, है ना, कौन सा अभिलेख पूछ ले जो आप नहीं पढ़े हो, ना ही ये मिडविल है कि मुगल की कौन सी लड़ाई का डेट पूछ ले जो आप भूल गए हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये आसान है, सब हिस्ट्री में सबसे आसान मॉडर्न पार्ट पड़ता है, और इसलिए भी आसान पड़ता है क्योंकि उसकी बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे जो उसके होते हैं, बोल सकते हो वीडियोस भी आप देखे होते हैं, बहुत सारी कहानियां सुने होते हो, तो इस कारण से हमेशा ये याद रहती है और एग्जाम में इसके क्वेश्चन सही भी होते हैं। ऊपर से इंडियन ज्योग्राफी में आपको केवल केवल क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद रिवर्स अच्छे से पढ़ लो, माउंटेन अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी और क्या, रिवर्स और डैम्स और आपका माउंटेन्स, ये 3 पढ़ लोगे तो इस 5 में से कम 3 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बाकी मिनरल्स वगैरह और जो छोटे छोटे टॉपिक थे उन्हें कवर कर लोगे तो 5 में 5 हो सकता है। लेकिन क्योंकि आप जीएस बैकग्राउंड के हो, अगर आप मैथ बैकग्राउंड के होते तो मैं आपको बोलता कि हाँ 1-2 टॉपिक छोड़ दो। आप इन तीनों में कुछ नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपका 15 नंबर ही कवर कर रहा है। अब आप यहां तक कैलकुलेट करो तो आप पहुंच रहे हो 45 क्वेश्चन पे, और ये जो मैथ बैकग्राउंड वाले हैं वो पहुंच गए हैं करीबन 65 पे। आप यहां पे देखो 30 और 35 65 हो गया है। अच्छा, ये 5 आपका हिस्ट्री यहां पे हो गया, 5 5 15 और 15 और 35, है ना, 15 और ये 35 अगर देखा जाए तो 50 पहुंच रहे हो। ये 35 30 ना लो, ये 35 लो, ठीक, इसे आप 35 हो जाएगा, तो 35 और 15 कर लोगे तो आप 50 पे पहुंच रहे हो। जहां पे ये बच्चा 65 पे पहुंच रहा है, आप अभी 50 पे पहुंच रहे हो, 15 क्वेश्चन पे आप पीछे हो। लेकिन ये है कि इधर वाले बच्चे जीएस में आप स्कोर नहीं कर सकते, बट इधर मैं आपको थोड़ा बता दूंगा आप स्कोर कर लोगे। जैसे जो जीएस बैकग्राउंड के हैं वो समझना, मैथ्स में आपको डीआई में केवल टेबल पढ़ लो। केवल टेबल पढ़ने की मैं बात क्यों कर रहा हूं, आप पढ़ो
हालांकि आना सब चाहिए, लेकिन मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं जिनकी मैथ बिल्कुल कमजोर है, जिन्हें मैथ से डर लगता है, जो ये भी सोचते हैं यार पता नहीं कैसे कट जाता, जिन्हें काटना भी नहीं आता। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मैथ का स्तर कम होता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि 20/5 लिखा है तो 4 से हम दोनों तरफ कट कर देंगे। उनके लिए बोल रहा हूं आप केवल इतना पढ़ लो कि टेबल, क्योंकि केवल सिंगल प्रैक्टिस से आपके 10 क्वेश्चन टेबल से आने हैं और दोनों ही टेबल सिमिलर, जैसे चार्ट में पाई चार्ट अलग कॉन्सेप्ट हो गया, बार चार्ट अलग कॉन्सेप्ट हो गया, लाइन चार्ट अलग हो गया, बट टेबल में कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वही हो जाएगा। तो टेबल आपका सिंगल कॉन्सेप्ट, और आपको आना क्या चाहिए, पूरे डीआई में आपका एक परसेंटेज का फॉर्मूला, कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है कि जो नंबर है टोटल इनटू 100, किसी नंबर का अगर परसेंटेज निकालना है तो नंबर अपॉन टोटल इनटू 100 कर दोगे, एक फॉर्मूला। ये एवरेज का एक फॉर्मूला लगता है, क्या होता है, सम अपॉन योग बटे कुल संख्या, सम अपॉन एन, और कुछ रेशियो का कॉन्सेप्ट, बस ये तीन चीज लगता है, इन्हीं तीन पे पूरा टेबल आपका हो जाएगा, केवल दो फॉर्मूला। इन दो फॉर्मूले को आशीष सर आपको अच्छे से बता देंगे और वो आप कवर कर लोगे, आपने पीछे पहले पढ़ा भी होगा उम्मीद है। तो ये आपका इसमें से अगर डीआई टेबल केवल प्रैक्टिस कर लोगे तो 10 क्वेश्चन आएगा। मैं कह रहा हूं 10 में कुछ नहीं कर पाओगे आप, 5-7 क्वेश्चन कर पाओगे, मैं कह रहा हूं 5 क्वेश्चन आप कर लोगे तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ये 5 आपका यहां पे जुड़ेगा, इसे आप क्या कर दोगे, इसे आप 55 कर दोगे। और ऐसे ही मैथ्स में आप परसेंटेज मत पढ़ो, एवरेज मत पढ़ो, अगर लास्ट के दिनों की बात कर रहा हूं कि अगर आपकी मैथ कमजोर है, अगर मैथ में आप कॉन्फिडेंट हो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिल्कुल कमजोर हो तो परसेंटेज के 5-6 क्लास पढ़ोगे आप, उसमें 7-8 टाइप होगा तो भी आपका कहीं 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है वो है, हो सकता है ना है, वहां पे आपका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज में 5-6 कॉन्सेप्ट होते हैं पढ़ोगे, हो सकता है कोई फायदा ना हो। लेकिन अगर आप केवल फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना देख लो, डेसिमल के क्वेश्चन सॉल्व करना देख लो, और फिर आप सर्ट्स और इंडिसेस, इतने, कहने का मतलब आप केवल एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, अगर आप ये कर लेते हो तो मैथ में इस पांच में से आप 3 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, केवल इतना कर लोगे। बाकी रीजनिंग आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप रीजनिंग आपकी तार्किक क्षमता ही है, जो आपकी मैराथन क्लास आपको कराई जाएगी, रीजनिंग में समय मत दीजिए। 5 क्वेश्चन है, 5 में आपसे कितना बुरा भी आपका दिमाग चलेगा तो भी 2-3 क्वेश्चन आप सही कर लोगे, नो डाउट। अगर वहां पे थोड़ा भी आप लाइवली पढ़ने वाले बच्चे हो, ऐसे मुंह उठा के पेपर देने चले जाओ बच्चे, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, एकदम ही कुछ ना आता हो, लेकिन थोड़ा बहुत भी आपको टर्मोलॉजी पता होंगी, आप जाओगे, जैसे एनोलॉजी के क्वेश्चन हो गए, ऑड वन आउट के क्वेश्चन हो गए, कई बार सीरीज के एकदम आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं, कोडिंग टू कोडिंग आपके सिलेबस में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आराम से रीजनिंग में आपको अलग से समय देने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको टाइम टेबल में बताऊंगा। तो ये आपको रीजनिंग से स्कोर कर सकते हो, मतलब मैं अगर 3 क्वेश्चन रीजनिंग ले लूं, 3 क्वेश्चन मैथ्स ले लूं और 5 क्वेश्चन अगर डीआई के ले लूं, तो 10 क्वेश्चन आपका यहां पे एक्स्ट्रा आप गेन कर सकते हो और यहां पे 60 क्वेश्चन आप कवर कर ले जाओगे इतने में। बाकी अब आप जीएस वाले पार्ट के लिए बच रहा है एंशियंट हिस्ट्री, इकोनॉमी और साइंस वाला पार्ट, और मैथ्स वाले पार्ट के लिए बच्चों के लिए बच रहा है पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी, जो क्रमशः 5, 5, 10, 5, 15 नंबर के ये भी हैं और 15 नंबर यहां पे भी हैं। अब आप समझना आप कितने स्कोर पे पहुंच रहे हो, इधर 65 जो मैथ्स वाले हैं 65 पे पहुंच रहे हैं और जो जीएस बैकग्राउंड वाले हैं वो 60 पे पहुंच रहे हैं, और इस पे आपकी परसेंटाइल क्या बनेगी, 65 नंबर पे आप ये वाले बच्चे पहुंच जाएंगे करीबन 88 परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाएंगे, और 60 पे आप 85 परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाओगे। मतलब आपको 99 परसेंटाइल का जो मैं टारगेट बोल रहा था, 85 परसेंटाइल में आप सारे जहां पे वैकेंसियां 7,000 या 8,000 रहेंगी उन सब में एलिजिबल हो जाओगे। 7,000-8,000 जैसे लेखपाल आ रही है, 4,500 वैकेंसी फिर से आ रही है, वहां पे चांसेस है, अगर अभी आपके पास पार्ट बचे हुए ना, इनमें से ये स्कोर कर लो और इसमें इंग्लिश वाला, क्योंकि अभी ये वाला बच्चा तो यहां पे भी स्कोर करेगा, समझना बात को। तो ये स्कोर करके आप 75 पहुंच सकते हो, अगर 75 स्कोर आपका आ गया तो 95 परसेंटाइल के ऊपर चले जाओगे। इस बार फॉर्म की संख्या भी ज्यादा है, कंपटीशन भी ज्यादा है, तो ज्यादा अंक पे थोड़ी कम परसेंटाइल पिछली बार की बदौलत जाएगी। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, 65-66 अंक पे 64 नंबर पे 88-90 परसेंटाइल बन गया था 65 नंबर पे, इस बार हो सकता है 65 नंबर पे 90 परसेंटाइल ना बनके 85-86 ही परसेंटाइल बन पाए, इससे ज्यादा ना बन पाए, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा है और उस हिसाब से आपकी परसेंटाइल, क्योंकि रैंक होती है, रैंक आपकी नीचे आ सकती है, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे तो उस हिसाब से आप समझिएगा, ठीक है, इतने पे आपका परसेंटाइल बन जा रहा है। अब 65 नंबर का तो आपका आ गया, 65 से आपको पहुंचना है 85, तो अब आप बाकी पार्ट में जितने अच्छे से मेहनत कर लोगे वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे जो मैथ बैकग्राउंड वाला बच्चा है उसके लिए पॉलिटी, आप पूरा जीएस मत नहीं पढ़ सकते हो, बट पॉलिटी आप केवल पॉलिटी पढ़ के नंबर स्कोर कर सकते हो, 5 में आप जितना मैक्सिमम गेन कर सकते हो। मॉडर्न
मॉडर्न हिस्ट्री आप यहां पे जितना गेन कर सकते हो उतना गेन कर लो, और इंडियन ज्योग्राफी में आप ज्यादा कुछ ना पढ़ो, फिर से मैं बोल रहा हूं इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ लो, मतलब इंडिया एंड नाइबर कंट्रीज, उसके स्टेट कर्क रेखा कहां से गुजरती है, कितने राज्य कोस्टल एरिया से हैं, कितने राज्य जो है वो लैंड एरिया से है, किसकी जनसंख्या ज्यादा है, किसका एरिया सबसे ज्यादा है, ये सारे पॉइंट आपको इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आ गया। उसके बाद नदियां, उनपे बने डैम देख लो, उसके बाद आप माउंटेन और पासेस पढ़ लो, इतना पार्ट जो कोर ज्योग्राफी बोला जाता है इंडिया की वो अगर आप पढ़ लोगे तो आपके 3 नंबर यहां से स्कोर हो जाएंगे, तो 3 आप यहां पे भी कर सकते हो, मतलब इस 15 नंबर में से 6 से 7 नंबर तो आप आराम से ले सकते हो, और ये 6 से 7 नंबर अगर यहां पे जुड़ गए तो आपके कितने हो जाएंगे 71 से 72 नंबर आप आराम से यहां पे गेन कर सकते हो इतने पार्ट में। अब आपके पास बच रहा है साइंस, इकोनॉमिक्स, एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री, इंग्लिश, इसमें जितना आप ले आओ जितना ले आओ, अगर आप 10-12 नंबर ले आते हो, क्योंकि 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, इस 20 नंबर में अगर आप 10 ले आते हो तो आप 82 पे पहुंच जाओगे, 82 स्कोर भी आपका कम से कम 99% नहीं 98% पे बन जाएगा, और पेपर अगर थोड़ा सा थोड़ा अच्छा रहा ना तो हो सकता है कि 82 स्कोर पे ही आपका क्या हो जाए, 82 स्कोर पे 99% भी बन जाए, तो 80-85 बोल रहे हैं, 85 का टारगेट रखोगे तो 80 प्लस आराम से पहुंच जाओगे, और ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऐसे जो जीएस बैकग्राउंड वाले हैं, आप देखो 60 नंबर यहां पे पहुंच गए, अब जीएस बैकग्राउंड वाले इस 15 में से इन्हें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, इस 15 में से इन्हें कम से कम 10 के आसपास लेके आना पड़ेगा, ताकि इनका स्कोर कहां पे जाए, इनका स्कोर 60+10 कितना हो जाए, 70 हो जाए, है ना। जैसे अब यहां पे 71-72 यहां तक पहुंचे थे, आप 70 पे पहुंच गए हो, लमसम सही चल रहा है, और यहां से इन 20 नंबर यहां पे, क्योंकि यहां पे 20 है, 5, 5, 5, अब यहां पे आपके पास 35 है, इस 35 में अगर आप 15 भी पा गए तो आप 85 पहुंच गए, तो जीएस वाले के लिए तब भी आसान है ज्यादा स्कोर करना मैथ वाले की अपेक्षा, लगभग दोनों सेम तराजू पे हैं, सेलिंग इन द सेम बोट है, और यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस पूरे पार्ट को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, आपकी स्ट्रेटेजी भी ऐसे होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई भी 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, मैथ बैकग्राउंड वाले आप इतने पार्ट को 1 पार्ट में डिवाइड करो, इतने पार्ट को 2 पार्ट में, और इसके 3 पार्ट में, मतलब आपके पास 25 दिन है, 25 दिन को आप 3 दे में डिवाइड करो, टाइम टेबल में बता दे रहा हूं दोनों को मैं एक टाइम टेबल बता दे रहा हूं, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपके पास मान के चलो 24 दिन बोल रहा हूं मैं, 25 भी ना लूं मैं 24 दिन लूं, और 24 दिन को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ऑन एवरेज 8 दिन बच रहा है, 8, 8, 8, 3 सेगमेंट में डिवाइड करो, इस 8 दिन में जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं वो डीआई मैथ्स रीजनिंग और इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करते चलो, बाकी भी पढ़ो, लेकिन ज्यादा समय आपको किसको देना है, ज्यादा समय आपको मैथ्स वाले पार्ट को देना है, और जीएस वाले पार्ट को ज्यादा समय जीएस वाले पार्ट को देना है। आप डेली कितने घंटे पढ़ो, अगर इस चीज को देखें, हाँ डेली कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, डेली यार कितने घंटे आपको पढ़ने चाहिए, तो बच्चों देखो 6 घंटे की अगर आप नींद ले लेते हो और 3-4 घंटा आपका डेली रूटीन में चला जाता है, तो भी आपके पास कितना बचता है, आपके पास 24 घंटे में 6, 4, 10 निकाल दो, 14 घंटे अभी भी बचते हैं। उस 14 घंटे में मैं एक बात आपको बोलूंगा कि बहुत ज्यादा भटकाव की स्थिति मत लाओ, अंतिम 24-25 दिन में जो अच्छे से सेल्फ स्टडी कर लेता है उसकी आपकी क्या हो जाता है, उसी का सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं आपको क्या दे रहा हूं, 330 प्लस पेज का एक पीडीएफ दे रहा हूं, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन के सारे इंपॉर्टेंट चीजें लगे हुए हैं, आप उनको पढ़ो। इसको मैंने बोला कि अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो ये आपके 15 पेज आएंगे, आप ऐसे करो कि ये 330 पेज का जो पीडीएफ है मैं आपको अभी दिखाया हूं, उसमें आप 25 पेज डेली कवर करने का प्रयास करो, और 25 पेज ऐसा वो ऐसा नहीं कोई नई जानकारी है, सारी जानकारी आप पढ़े हो, केवल उसे रिवीजन अच्छे से करना है, तो मुझे लगता है कि 2 घंटे ये पीडीएफ आप अच्छे से पढ़ सकते हो, है सारी वही चीजें। उसके बाद आपके पास 14 घंटे में अभी भी कितना बचा हुआ है, 12 घंटे बचे हुए, 12 घंटे में 3 घंटे जो मैराथन ऑन एवरेज मैराथन क्लास जो आपकी रिवीजन चलाई जा रही है, वो मैराथन क्लास आपके इसी पीडीएफ के बदौलत और जो आपके प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बदौलत है। 3 घंटे अगर आप यहां पे देते हो और 2 घंटे डेली बेसिस पे एक टेस्ट दो, मतलब 3, 2, 5 और 2, 7, 7 घंटे बच्चों अगर आप यहां पे दे देते हो और उसके बाद भी आपके पास 7 घंटे बचते हैं, इसमें आप आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट का और निकाल दो तो भी आपके पास 6 घंटे बचते हैं, वो 6 घंटे में आपको खुद से पढ़ना है, और वो 6 घंटे किस हिसाब से पढ़ना है, वो 6 घंटे आपको जो सारी चीजें जो आप नोट्स बनाए हो और ये जो 8, 8, 8 में डिवाइड किया हो ना, 24 जो आपका पूरा पार्ट है इसको मैं जो डिवाइड किया 24 दिन में 8 दिन में उसके हिसाब से आपको चलना है। जैसे सपोज करो कि आपके पास 7 घंटे बच रहे हैं, तो 7 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, आप 3 घंटे
तीन घंटे जो आपका मेजर वाला पोर्शन है, जैसे मैथ वाले बैकग्राउंड के लिए डीआई रीजनिंग और मैथ्स हो गया, और जीएस वाले के लिए मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया और इंडियन पॉलिटी हो गया, तीन घंटे आप उसको दो, दो घंटे आप दूसरे वाले पार्ट को दो, और उसके बाद आप दो घंटे तीसरे वाले पार्ट को दो, या जितने भी कम बचे वो आप तीसरे वाले पार्ट को दो। तो इस प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ते जाओगे तो आपका तीन दो पांच दो सात, सात घंटा इधर हो गया और ये सात घंटा इधर हो गया। ये दो आवर जो पीडीएफ में दे रहा हूं है ना, रामबाण पीडीएफ, जो रामबाण पीडीएफ है उसकी बात कर रहा हूं, इसको आप दो अच्छे से, और उसके बाद तीन घंटे आप मैराथन पे दो, दो घंटे अगर टेस्ट दोगे, बाकी आप रिवीजन करोगे, इतना अगर आप पढ़ लोगे लगातार 25 दिन तो आपका 85 प्लस स्कोर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बच्चों स्ट्रिक्टली आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, एक बार आप इसे देख लो। इसलिए मैंने ये पूरी चीजें किस सेगमेंट में, तीन सेगमेंट में क्या किया है, डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट आपका ये है, तो शुरुआत के आपको तीन घंटे, शुरुआत के तीन घंटे इसमें देने हैं जो आपके बचते हैं, फिर दो घंटे आपको इसमें देने हैं, फिर दो घंटे आपको इसमें देने हैं। सिमिलरली ऐसे है, यहाँ पे तीन घंटे आपको इस वाले पार्ट में देने हैं, उसके बाद आपको दो घंटे इसमें देने हैं और फिर दो घंटे आपको यहाँ पे देने हैं, और ऐसा करके आप स्कोर अपना टारगेट बना लोगे। इससे हो सकता है मेरी रणनीति से किसी बच्चे की अलग भी रणनीति हो, तो अपनी रणनीति फॉलो कर सकता है, क्योंकि अपनी सबकी अपनी ऊर्जा अपनी रणनीति होती है। बट जो बच्चे फॉलो करते हैं इस चीज को, बहुत ही विद्वत टाइम टेबल, बहुत ही जबरदस्त, और इतना केवल आप कर लेते हो जाएगा। रही बात कि आपको ये जो फ्री क्रैश कोर्स है उसमें क्या चीज मिल रहा है, कहां पे रहेगा, तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं, वो आपको परीक्षा प्लस ऐप से मिल जाएगा। परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे, है ना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये आप देख लो सीधा, परीक्षा प्लस ऐप कहां से डाउनलोड करना है आपको, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, परीक्षा प्लस ऐप का ये है लोगो, आप देख सकते हो। इसे जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, आपका परचेजेस में यहां पे ये वाला, यहां पे जो पार्ट होता है इस पे, ये बीच में यहाँ पे होम होता है, फिर परचेजेस, तो फिर डाउनलोड्स होता है। परचेजेस पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी जैसे यहाँ पे लेख पर लिखा हुआ है, ऐसे ही आपका यहाँ पे फ्री क्रैश कोर्स करके पीईटी का लिखा होगा, वो आपको मिल जाएगा। निशुल्क है, एक को रुपए कुछ भी नहीं लगाना है, केवल आपको क्या करना है, केवल आपको ऐप डाउनलोड करना है, परचेज में जाके देखना है, तो आपका वहां पे क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। अब इसमें मिल क्या रहा है, इसमें आपको ये जो आपको मैं बताया हूं पीडीएफ, जो 330 पेज की जो पीडीएफ है, है ना, 330 पेज की जो पीडीएफ है ये आपको दे दी जाएगी, है ना, रामबाण पीडीएफ जिसे बोला जा रहा है, और ये वाकई में रामबाण है। पिछली बार भी बच्चे इसे पढ़ के बहुत ज्यादा फायदा हुआ था उनको, और इस बार भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ये आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही जितनी मैराथन क्लासेस होंगी ये सारी यूट्यूब पे होंगी, लेकिन इस क्लास की रिकॉर्डेड आपको ऐप पे दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ जो स्पेशल टॉपिक्स हैं जो हमारे पेड क्लास के हुए हैं, उनमें से मेन मेन टॉपिक, जैसे जिनका जीएस बैकग्राउंड रहा है उनके लिए परसेंटेज की एक क्लास, जहां से केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकता है, एवरेज की एक क्लास और जो डेसिमल फ्रैक्शन की एक क्लास, वो एक ही क्लास लगा दी जाएगी, ऐसे रीजनिंग में ऐसे सब में। तो मेन मेन क्लास आपको यहां पे लगा दी जाएगी, यहां पे कॉन्सेप्ट क्लास मेन, है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो क्लास है वो आपको लगा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको 10 प्लस टेस्ट दिए जा रहे हैं। मैंने आपको बोला था टेस्ट कहां से दो, टेस्ट आप कहीं से भी दो, जहां पे भी आपको अच्छा लग रहा है। इतना मैं आपको बोल रहा हूं कि परीक्षा प्लस के टेस्ट बहुत ज्यादा गुणवत्तापूर्ण होते हैं, और मैं आपको एक टेस्ट का फाइल यहां पे फ्री आपको मिल जाएगा, जो पुराना 24 पिछली बार 24 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा, वो देख के आप खुद को आइडिया लग जाएगा। उसमें दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन हमारे नोट से डायरेक्टली या टेस्ट सीरीज से आए हुए थे, तो उसे आप देख लोगे आइडिया लग जाएगा। तो ये 10 प्लस टेस्ट आप परीक्षा प्लस के तो जरूर लगाओ ही, इसके अतिरिक्त आपके पास अगर समय बचता है तो आप किसी के भी लगा सकते हो, क्योंकि ये 10 आपके पास 25 दिन है, 10 दिन में 10 लगा लोगे तब भी आपके पास 15 दिन बचेगा, या आप पूरे लास्ट तक मत लगाओ, 10 किसी के और भी लगा सकते हो, लेकिन ये आप लगाओ जरूर, ठीक है ना, ये टेस्ट सीरीज हो जाएगा। तो इतना हो गया, आपको मैराथन रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी, और ये क्लासेस जो होगी ये आपको YouTube पे चलेगी, और ये शाम 7 बजे 7 PM to 10 PM की क्लास होगी, 3 घंटे की मैराथन, या उससे ज्यादा भी हो सकती है, बस आपको इतना ही समय देना है केवल संस्थान पे, इससे ज्यादा आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन बच्चों को भी बोल रहा हूं, कई बार हजारों से ज्यादा बच्चे परीक्षा प्लस से डायरेक्ट जुड़े हुए थे कोर्स के माध्यम से, बहुत बोला जाए तो 8 से 10 हजार बच्चे इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे, और मैं उन सारे बच्चों को कह रहा हूं जो कोर्स में जुड़े भी हो, केवल पीटी कोर्स या अन्य कोर्स, या जो नहीं भी जुड़े हो, कहीं भी आप जुड़े हो, एक बार आप इस पीडीएफ को जरूर पढ़िए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, इस बात की तो पूरी गारंटी है। चलिए आज के सेशन में मैं इतना ही रखूंगा, बाकी आपकी कुछ भी अपनी रणनीति हो सकती है उसे भी फॉलो कर सकते हो, आपका कुछ अपना हो सकता है उसे भी आप देख सकते हो। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। यदि आपके कोई प्रश्न रह जा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।